हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ सिंपल सी प्रॉब्लम के बारे में। बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरेस्ट इफ पी इज इक्वल टू, यानी प्रिंसिपल है आपका रुपीज 1200, आर है आपका 10% पर एनम यानी पर ईयर, और टी है आपका 3 ईयर्स। तो बच्चों जब भी हमें इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हो, जब हमें तीनों वैल्यूज दी गई है, पी भी दिया गया है, आर भी दिया गया है, टी भी दिया गया है, और हमको फाइंड आउट क्या करना है, इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, तो सिंपल हम यूज करेंगे एक फॉर्मूला, आई यानी सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। बस इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे और जो भी वैल्यूज हमको दी गई हैं, सपोज यहाँ p की जगह पर हमको क्या रखना है 1200, तो इस वैल्यू जो फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज रखते जाएंगे और मिल जाएगा हमें हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ पर हम देखें कि जो हमारी p है, तो यहाँ पर हम p की जगह पर क्या रखेंगे, रुपीज 1200। सिंपल, P और R के बीच में क्योंकि कोई भी ना तो प्लस है ना माइनस है, इस तरह की जब भी फिगर्स हो और कोई भी साइन ना हो तो हम वहां रखते हैं इंटू, तो हमने यहाँ इंटू कर दिया। अब देखें R, R के लिए हमें दिया गया है कि R की जगह तो हमें 10 ही रखना है, तो हमने 10 रख दिया। इसके बाद हम देखें P और R के बीच में भी प्लस माइनस कोई साइन नहीं है, तो हम यहाँ क्या करेंगे इंटू। इसके बाद में T के लिए हमें दिया गया है 3 ईयर्स, यानी T जहां पर लिखा है वहां हमने लिखा 3। अब अपॉन यानी ये वाली लाइन और इसके बाद में 100, तो अपॉन 100 हमने इसको यहाँ पर कर दिया। अब हम यहाँ देखें, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो इसको करना तो बिल्कुल ही आसान है। यहाँ देखें 10 से ये वाला 0 कैंसिल और ये 2nd 0 से ये 2nd 0 कैंसिल। अब सिंपल हम देखें हमें क्या फिगर्स बचती है, ये बचा आपके पास 12 यानी रुपीज 12 बचा है, इंटू 10 बचा है, इंटू 3 बचा है, तो आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और आपको मिलता है 12 इंटू 10 किया आपने, आपको मिला 120, इंटू 3 किया तो ये मिला आपको रुपीज 360, और यही है आपका फाइनल आंसर। बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ये ध्यान देना होगा कि हम यहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं इंटरेस्ट, यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल है, जो फर्स्ट मनी हमने किसी से दी या ली, वो है क्या, मनी ले रहे हैं हम तो रुपीज में ले रहे हैं, ठीक। अब हमको फाइंड आउट करनी है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब है उस मनी पर हमको कितना एक्स्ट्रा मनी, जब हम रिटर्न करेंगे तो हमें कुछ एक्स्ट्रा मनी देनी होगी, वही होगी हमारी इंटरेस्ट, तो वो एक्स्ट्रा मनी कितनी है वो हमने फाइंड आउट करी और वो होती है इंटरेस्ट। इसीलिए जब भी आपका आंसर आएगा वो आएगा रुपीज में, क्योंकि हम मनी दे रहे हैं या ले रहे हैं। तो इस तरह से जब भी हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करनी है, हम सिंपल यूज करेंगे फॉर्मूला पी आर टी अपॉन 100 और बस जो भी वैल्यूज है यहाँ रखते जाइए, इनको आप सिंप्लीफाई कीजिए और मिल जाएगा आपको आपका फाइनल आंसर।